सभी को मेरा नमस्कार, खुश मॉर्निंग। मेरा बहुत बहुत धन्यवाद सेवा इंटरनेशनल को कि आज उन्होंने हमें ये मौका दिया इस मंच पे होलिस्टिक हेल्थ को लेकर के अपने विचार साझा करने के लिए। जो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे अगले 10 मिनटों में, वो हमारा पिछले 15 साल का काम है, जब हमने हार्ड कोर पब्लिक हेल्थ एजुकेशन और लाइफ स्किल्स के काम को छोड़ करके ट्रांजिशन किया होलिस्टिक ह्यूमन ग्रोथ इंडिविजुअल हेल्थ की तरफ। तो उस पे बेस्ड हम कुछ चीज़ें शेयर करेंगे आज आपके साथ, और जो भी हम शेयर करेंगे बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं और हमें पूरा विश्वास है। और ख़ासकर जो ट्रांस हिमालयन रीजन के लोग हैं हमारे साथ आज इस समय, अपने देश के और भूटान और नेपाल के, शायद आप में से बहुत से लोग वो चीज़ें प्रैक्टिस कर ही रहे होंगे ऑलरेडी, लेकिन हम उसको आपको एक फ्रेमवर्क में करके दिखाएंगे, जो कि हमारे चेयरमैन साहब ने भी बड़े अच्छे से बैकग्राउंड दिया और एक फ्रेमवर्क बताया कि होलिस्टिक हेल्थ का मतलब क्या है। तो उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम आपके साथ शेयर करेंगे। सो जस्ट लेट मी पुट दिस। पिछले दो दिनों के सत्र में हम यहाँ पे थे, राइट फ्रॉम द इनॉग्रेशन टिल लास्ट इवनिंग। सो अलग अलग थीमेटिक एरिया पे जो अच्छे प्रेजेंटेशन हुए, ग्रुप डिस्कशन हुए, उसमें से कुछ वर्ड हम पिक कर रहे थे, कीवर्ड्स, जो कि आज के हमारे होलिस्टिक हेल्थ के सेशन में पूरी तरह फिट होते हैं। तो ये सब शब्द आपके सामने हैं: ग्रेटफुल, सेल्फलेस सर्विस विच इज इक्वल टू सेवा, रेजिलियंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजास्टर, बहुत बात हुई कि कैसे रेजिलियंस बिल्ड की जाए, तो रेजिलियंस को हम हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, होलिस्टिक हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में। पवन जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी, किसी का किस्सा सुनाते हुए, किसी गांव के परिवार का, जिसमें उन्हें कहा था कि उनसे उस महिला ने कहा, जब वो शिक्षा के काम को लेकर के गए, कि उस महिला ने कहा कि हमारे बच्चों को होना सिखाइए, होना, आई एम सेइंग होना विद इन कोट्स, एंड इफ आई मे पुट दैट इन इंग्लिश, दैट इज बीइंग। हम लोग डूइंग 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 में बहुत बहुत व्यस्त हैं, वी आर सोशल वर्कर्स ऑल्सो, बट क्या होना क्या है, वो भी एक बड़ा अच्छा हमें वर्ड लगा, उस पर हमारे सत्र में भी कुछ चीज है, तो हमने वो वर्ड पिक किया। देन संकल्प, आई थिंक इनॉग्रल वर्ड से ही ये बात हो रही थी, गवर्नर साहब ने जो अपनी स्पीच दी उसमें भी इस वर्ड पे काफी इम्फेसिस थी, खासकर युवाओं के संदर्भ में। क्वालिटी ऑफ लाइफ, लीड बाय एग्जाम्पल, हमारी नेपाल की जो फ्रेंड है उन्होंने अपनी स्लाइड ही एंड करी थी इससे कि वी शुड लीड बाय एग्जाम्पल। डायलॉग, और ढाई दिन से डायलॉग ही चल रहा है, बहुत सारे आप लोगों ने ऐसे डिजाइन किया है सत्र की, हमें मौका मिल रहा है फॉर्मली या इनफॉर्मली डायलॉग करने का। और सोल्स पैशन, कल के किसी सत्र में सोल के पैशन की बात हुई थी, और इमोशनल कनेक्ट। तो इन सारी चीजों, इन सारे शब्दों को आप देखेंगे हमारे सत्र में भी, कि कैसे हमने इसको जोड़ा है होलिस्टिक हेल्थ से। बिफोर आई टेक यू थ्रू द सेशन, मीनिंग द कॉन्टेंट पार्ट ऑफ इट, आई विल जस्ट रिक्वेस्ट यू ऑल टू ज्वाइन मी इन अ वेरी सिंपल एक्टिविटी, बाद में उसका रैशनल भी बताएंगे और शायद आप में से कुछ महसूस करेंगे जो हम रैशनल बताएंगे उसको। सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सिट कंफर्टेबली ऑन योर सीट्स, दोनों पैर अगर सीधे जमीन पे छुएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्रॉस लेग्ड ना बैठें, दोनों पैर जमीन पे, पूरा आराम से रिलैक्स स्टेट में बैठें। So, मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने आसपास नजर घुमा करके नोटिस फाइव थिंग्स दैट यू सी, जस्ट नोटिस, धीमे से गर्दन घुमाइए और नोटिस करिए पांच चीजें जो आपको दिखाई दे रही हैं इस समय आपके माहौल में। नाउ टच फोर थिंग्स, आपके सामने जो भी चीजें हैं उसमें से चार चीजों को आप टच करिए आराम से। नाउ फोकस एंड लिसन टू थ्री साउंड्स, आपके इस समय के माहौल में मेरी आवाज जब बंद करेंगे हम, उसके बाद तीन साउंड्स जो आपको सुनाई दे रही हैं उन पे फोकस करिए। नाउ दो खुशबू, आपको अपने इस समय के माहौल में, इस कमरे में दो स्मेल्स जिन पे आप ध्यान दे सकते हैं, उस स्मेल पे ध्यान दीजिए।
और अंत में अपना एक हाथ अपने हृदय केंद्र पे रखें एंड जस्ट फील योर हार्ट बीट, बी विद योर हार्ट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स. फील ग्रेटफुल फॉर द रोल दैट योर हार्ट प्लेज इन योर वेल बीइंग. एंड एज यू डू दिस जस्ट नोटिस द इमोशन दैट यू आर फीलिंग राइट नाउ. And when I ring the bells, you may come back to your current state. Thank you for participating in this. I will talk about it later, why I made you do this. और मेरा सौभाग्य है कि आज इस August gathering में 4-5-6 medical doctors भी हैं. शायद वो बहुत जल्दी समझ पाएंगे जब हम ये चीज बताएंगे. Just to give you a simple word, I triggered your parasympathetic nervous system by making you do this activity. And every time you trigger your parasympathetic nervous system, you come in a state of calm and peace. So, बहुत दो चार मिनट में हमने आपको उस स्थिति में लाने का प्रयास किया by this simple activity. I will tell the significance of this activity later. So, this is what you did. थोड़ा सा हम वर्ड्स को अनपैक करना चाहेंगे एंड चेयरमैन डॉक्टर भट्ट ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दीज थिंग्स. आई जस्ट वांट टू कंक्लूड दिस पार्ट इन टर्म्स ऑफ व्हाट दीज की टर्म्स आर दैट वी हैव बीन यूजिंग सो दैट वी हैव अ शेयर्ड कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ होलिस्टिक हेल्थ. सो फर्स्ट, हेल्थ एज डिफाइंड बाई WHO, अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी एज डिफाइंड बाई द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. We use the term well-being and wellness sometimes interchangeably, sometimes exclusively. So I have tried to unpack that. So well-being means living well and also enjoying happiness. Wellness means only living well, whereas well-being has an element of happiness also in that. Holistic, something that is considered as a whole thing rather than collection of parts. मतलब एक किसी भी चीज को, किसी भी इंसान को या किसी भी परिस्थिति को या किसी भी संस्था को हम होलिस्टिकली देखें, उसका मतलब ये हुआ कि समग्र रूप से उसको सर्वांगीण तरीके से देखें, ना कि एकदम एक साइलो, कंपार्टमेंट या वर्टिकल में देखें. सो इन तीनों चीजों पे आधारित एक टर्म निकल करके आता है, द होल पर्सन. एंड दिस इज द वर्क आई हैव बीन डूइंग इन द लास्ट 15 ईयर्स. सो आई विल टेल यू अ लिटिल मोर अबाउट दिस, what this whole person is. It is about all of us. And then about people we work with. Chahe wo samudaya mein ho, gaon mein ho, shahar mein ho, leaders ho. We all are whole being. So what is that whole being? So I've used this simple diagram to explain what all is there. And I'm now using the word, with the whole being, I'm using the word intelligences. So we have a body, we have a mind, we have a spirit, and we have emotions. So we are at the center. वो बड़ा अच्छा सा एनलाइटेंड तरह का इंसान बीच में, और ये चारों फैकल्टीज हैं. डायग्राम में आपको चारों इक्वली दिखाई दे रहे हैं क्वाड्रेंट, लेकिन ये इक्वल नहीं है, इसका अलग अलग है. उसके डिटेल में हम आज नहीं जा पाएंगे क्योंकि समय हम लोग के पास कम है. इन्हीं से डिराइव होती है हमारी फिजिकल इंटेलिजेंस, बॉडी की इंटेलिजेंस होती है. एंड आई एम श्योर हमारे जो को स्पीकर हैं जो आयुर्वेद नजरिए से बात करेंगे, वो इस चीज को और अच्छे से बताएंगे अपने सत्र में. फिर हमारी मेंटल इंटेलिजेंस, वी ऑल नो बचपन से सुनते आए कि लो IQ, हाई IQ. सो IQ यहां से निकल के आती है मेंटल इंटेलिजेंस. देन इमोशनल इंटेलिजेंस एंड स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस. टू टेल यू, क्वाइट पॉसिबल सम ऑफ यू आर अवेयर दैट फॉर द लास्ट ऑलमोस्ट 20 ईयर्स, मेनी टॉप लेवल ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग कंपनीज लाइक गूगल एंड एमेजॉन एंड हार्वर्ड, वेन दे हायर पीपुल, दे डू EQ टेस्ट एंड SQ टेस्ट ऑल्सो, not just IQ. So they have like now proper tools to administer on people because they want leaders who are high on EQ and high on SQ. And all of us have these in varying degrees. The important point to note here is that these are all interconnected and these do not function in silos. So that is why it is holistic. This entire diagram, this entire wheel is there. The round wheel is there, sphere is there. It is not just one quadrant of it, because
ईच वन इज इम्पैक्टिंग द अदर वन, अगर एक में कुछ होगा तो उसका असर दूसरे पे होगा. नाउ अब नेक्स्ट स्टेप पे बात यह होती है कि जब हम लोग होल पर्सन हैं विद ऑल दीज फोर इंटेलिजेंसेज एंड फैकल्टीज, इनको कैसे नरिश किया जाए. बॉडी को नरिश करना तो हम सब जानते हैं, बड़े सारे प्रोग्राम ICDS के भी चला लिए न्यूट्रिशन बच्चों का सबका, घर में भी ध्यान रखते हैं कि हमें न्यूट्रिशन में क्या लेना चाहिए. तो एक दो तरीका होता है कि फिजिकल बॉडी को हम कैसे नरिश करें, बाकी हमारे माइंड को भी नरिश करने की जरूरत है. और जब यहां पे हम माइंड की बात कर रहे हैं तो उसमें फर्दर दो कॉम्पोनेंट्स हो जाते हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर. दोनों के अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं और दोनों की अलग अलग नीड है उनको शार्पन करने की, उनको नरिश करने की. फिर आता है इमोशंस को कैसे हम नरिश करें और अपनी स्पिरिट को कैसे नरिश करें. यहां पे स्पिरिट जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं, आप इसको स्मॉल एस से भी समझ सकते हैं या कैपिटल एस से भी समझ सकते हैं, इट इज अप टू यू हाउ यू वांट टू टेक इट. सो इन चारों डायमेंशंस को नरिशमेंट की जरूरत है, और इनको नरिशमेंट की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि इनकी बेसिक नीड्स हैं. सो बेसिक नीड्स क्या है, माइंड की नीड इज टू लर्न विच इज इक्वल टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. माइंड्स नीड्स दैट, माइंड्स वॉन्ट टू ग्रो एंड डेवलप. इमोशंस की नीड है लव विच कम्स फ्रॉम रिलेशनशिप्स एंड अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग. बॉडी की नीड्स है टू लिव सर्वाइवल, उसको जिंदा जीवित रहना है इसलिए उसकी बेसिक नीड है कि खाना पानी मिलता रहे. और स्पिरिट की नीड है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली द वे डॉक्टर भट्ट सेट द बैकग्राउंड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. द स्पिरिट हैज अ नीड टू लीव अ लेगेसी, एंड इन सिंपल टर्म्स इट मीन्स सम मीनिंग सम कॉन्ट्रीब्यूशन. स्पिरिट क्रेव करती है कि जब हमने जन्म लिया है इस संसार में तो हम कुछ अपने जीवन के द्वारा कुछ मीनिंग छोड़ के जाएं या कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करके जाएं. एंड दैट इज वेयर कम्स द रोल ऑफ ऑल ऑफ अस एज सोशल वर्कर्स एज सोशल एंटरप्रेन्योर्स, कि हम सेवा करें किसी भी तरीके से करें, बट वो स्पिरिट की क्रेविंग होती है हमारी. ये टिपिकल जो डेफिनेशन हमने ली है दिस इज फ्रॉम स्टीवन कवी, मे बी सम ऑफ यू नो, देयर इज अ वेरी फेमस बुक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल. उसके बाद इनकी एक नई किताब आई थी द 8th हैबिट, देयर ही हैज टॉक्ड अबाउट दिस पैराडाइम ऑफ होल पर्सन एंड दीज स्पेसिफिक नीड्स. अब हम जो आपको वेरी क्विकली प्रेजेंट करते जाएंगे, द आइडिया वॉट आई एम ट्राइंग टू प्रपोज एंड रिक्वेस्ट एंड सजेस्ट ऑल्सो इज दैट वी नीड टू डू अवर ओन सेल्फ गवर्नेंस. कल बड़ी सेल्फ गवर्नेंस पे बात हुई, PRIs की और इन सब चीजों पे. सो द आइडिया इज कि हम अपने आप को कैसे गवर्न करते हैं, क्योंकि जब तक हम खुद को होलिस्टिकली गवर्न नहीं करेंगे जैसा डॉक्टर भट्ट ने डेफिनेशन बताई, तो फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होती रहेंगी हमारे काम करने के तरीके में, जैसे हम समुदाय के साथ इंटरैक्ट करते हैं. तो इसलिए जरूरी है कि हम अपने आप को होलिस्टिकली सेल्फ गवर्न करते रहें. सो दिस इज अ प्रपोजल आई एम गिविंग टू ऑल ऑफ यू. यू कैन टेक इट, यू कैन रिजेक्ट इट, द चॉइस इज योर्स, बट आई विल बी शेयरिंग सम क्विक थिंग्स अबाउट इट, दैट हाउ टू सेल्फ गवर्न एंड हाउ टू नरिश ईच ऑफ द कॉम्पोनेंट्स ऑफ आवर बीइंग. सो फिजिकल हेल्थ में, और हम ये भी जैसे शुरू में बोला कि बहुत सारे लोग ये सारी चीजें कर भी रहे होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम कोई नई चीज आपको बताने हैं, लेकिन हम एक स्ट्रक्चर और एक फ्रेमवर्क में रख के बता रहे हैं, तो शायद इट विल मेक मोर सेंस टू यू. और खास की बात ये, हमारा शुक्रिया आयोजकों को, यूनिवर्सिटी को और आयोजकों को, कि जिस वेन्यू पे रखा है ये सब चीजें, बहुत ज्यादा सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, वॉक करने का मौका मिल रहा है जो शायद रोज जिंदगी में नहीं कर पाते होंगे. सो वॉक, जॉग, स्विम, साइकिल, डांस, कल शाम को बहुत अच्छा लगा, बड़े सारे लोग स्टेज पे थे, एक्सरसाइज. सो आप मूव करिए अपने शरीर को, खेलकूद, योग, नॉट योगा, आई हैव कॉन्शियसली यूज द वर्ड योग. और योग में भी अलग, यहाँ पे आध्यात्मिक संस्थाओं के भी कुछ लोग हैं, दीदी हैं हमारे सामने, तो हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं कि कौन सा, बट आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड विच पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ योग आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन आई एम टॉकिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिजिकल हेल्थ. राइट फूड, वाटर इनटेक, गुड स्लीप, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, सिंपल 2 मिनट का पॉज लेकर के अपनी ब्रेथ के साथ ही जुड़ जाएं. कल एक हमारे साथ थे पार्टिसिपेंट जो NTPC से आए हैं, उनके साथ मैम थी, उनसे मेरी बात हो रही थी, तो शी सेड हाउ शी जस्ट एंकर्स हर सेल्फ विद जस्ट ब्रीदिंग.
ठीक है, एक योग मैट लेकर के बैठना और अलग से एक्सरसाइज करना वो सब बहुत जरूरी है सिस्टमेटिकली, लेकिन अगर अपने व्यस्त रूटीन में हमें टाइम नहीं मिल रहा है तो इस कॉन्फ्रेंस में भी अगर हम 1 मिनट का पॉज ले लें और अपने ब्रेथ पे आ जाएं तो मेरे को एक मेरी होलिस्टिक वेलबींग में कॉन्ट्रीब्यूट करेगा एंड मोर. सो जो भी हम आपको बता रहे हैं इसमें और बहुत सारी चीजें हैं, हम इतना बता करके शॉर्ट में आगे चलते चलेंगे. देन सेल्फ गवर्नेंस ऑफ माइंड हेल्थ, माइंड की हेल्थ को कैसे गवर्न किया जाए. सो रीड, ये बड़े प्रबुद्ध लोगों का ग्रुप है तो बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ते रहते हैं, समझते रहते हैं. सो रीडिंग, रिफ्लेक्शन, खाली रीडिंग नहीं, रिफ्लेक्ट से दैट इज व्हेन द माइंड एब्जॉर्ब्स, जो आपको नया इनपुट जानकारी मिल रही है उसका एब्जॉर्प्शन होता है व्हेन वी टेक सम टाइम ऑफ टू रिफ्लेक्ट. राइट, कैसा भी हो जरूरी नहीं कि हमें बिल्कुल बड़े साहित्यकार की तरह लिखना है, कुछ कुछ अपने लिए ही छोटा छोटा लिखते रहिए जो भी आपके थॉट्स चल रहे हैं. डिस्कस, जैसे डायलॉग वर्ड हुआ, एक दूसरे से चर्चा करिए जो भी आपकी जानकारी है नई है. लर्न एंड अनलर्न, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे पवन जी ने भी कहा था, जो हम लोग सोशल वर्कर होते हैं एक अलग तरह की ईगो होती है हमारी कि मेरे को तो सब आता है, कुछ नहीं सीखना. सो ये बहुत जरूरी है कि कुछ चीजों को हम कॉन्शियसली अर्न लर्न करें और उसके बाद नई चीजों को लर्न करें. और जब तक हम कुछ चीजें अर्न लर्न करके स्पेस नहीं क्रिएट करेंगे अपने माइंड में, नई चीजों के लिए जगह नहीं होगी. सो उस नजरिए से भी ये जरूरी है. देन दिस इज पर्टिकली रिलेटेड टू द राइट हेमिस्फीयर ऑफ आवर ब्रेन. दिस साइड हैव सम थिंग्स इन योर लाइफ विच आर रिलेटेड टू म्यूजिक, आर्ट, क्रिएटिव हैंडवर्क. आई रिमेम्बर हम लोग के जमाने में मम्मी और दादी, हमने भी बचपन में किया, वो सिलाई करना, क्रोशे करना, टैटिंग करना, हाथ के काम सब छूट गया है. दैट इज सो हेल्दी फॉर द ब्रेन, इट्स वेरी हेल्दी, इट ब्रिंग्स अ बैलेंस ऑफ द लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड द राइट हेमिस्फीयर. देन पजल्स, क्विज, क्रॉसवर्ड बहुत सारे लोग करते हैं. मंडला, मंडला की ड्रॉइंग आजकल माइंडफुलनेस में प्रिस्क्राइब की जा रही है. माइंडफुलनेस, बींग अवेयर ऑफ वेयर यू आर एंड वॉट एग्जैक्टली यू आर डूइंग, बींग प्रेजेंट विद योर ओन सेल्फ. मेडिटेशन, एनी फॉर्म दैट यू आर कंफर्टेबल विथ एंड मोर. सेल्फ गवर्नेंस ऑफ इमोशनल हेल्थ, बी अवेयर ऑफ योर इमोशंस कि मेरे को क्या हो रहा है इस समय. मेरे को खुशी का इमोशन है, एंगर का इमोशन है, सैडनेस का इमोशन है. जस्ट स्टार्ट आइडेंटिफाइंग योर इमोशंस. एंड इफ यू हैव नेगेटिव इमोशंस विच टर्न इन टू डिस्ट्रक्टिव एक्शंस इवेंचुअली, उनको एक्सेप्ट करिए कि मेरे को इस समय गुस्सा का इमोशन आया. डिनाइल में रहने की जरूरत नहीं है, सप्रेस करने की जरूरत नहीं है. लेबल करिए, देन प्रोसेस इट. इस तरह से जब आप प्रोसेस करेंगे तो आपका डिस्ट्रक्टिव इमोशन भी एक कंस्ट्रक्टिव एक्शन में बदल सकता है. आप उससे कोई प्रोजेक्ट कर सकते हैं, कोई चीज शुरू कर सकते हैं कि ये देख के मेरे को बहुत गुस्सा आया कि समाज में ऐसा हो रहा है, नाउ आई एम गोइंग टू डू अ प्रोजेक्ट ऑन दिस. सो दैट इज हाउ वी कैन प्रोसेस आवर नेगेटिव इमोशंस ऑल्सो इन अ वेरी हेल्दी मैनर. बिल्ड रेजिलियंस, कल बड़ी बात हो रही थी रेजिलियंस की, हमें अपने रेजिलियंस बनाने की जरूरत है, खासकर इमोशनली. इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी बहुत देर तक हैप्पीनेस के इमोशन में मतलब कूद रहे हैं उसी को, एक इमोशन को लेके, या बहुत देर तक गुस्सा के इमोशन में है, बहुत देर तक सैडनेस में है, दैट इज नाइदर ऑफ दिस इज हेल्दी. सो वी हैव टू कम बैक टू ओके जोन, दैट आई कॉल इट. और इसी को अध्यात्म में शायद समभाव की स्थिति कहा जाता है, स्थिति ऑफ इक्वानिमिटी, कि जितना ज्यादा से ज्यादा हम इक्वानिमिटी में. ठीक है, कोई अच्छा अचीवमेंट हुआ, खुश हुए, सेलिब्रेट किया, और कोई दुख की स्थिति हुई तो थोड़ा परेशान हुए, तकलीफ हुई, लेकिन हम बहुत जल्दी वापस आ गए अपने संभाव की स्थिति में. सो दैट इज कॉल्ड, जितना ज्यादा हम इस पे अवेयर होकर प्रैक्टिस करेंगे उतना ये रेजिलियंस, ये स्किल डेवलप हो जाती है. नर्चर रिलेशनशिप्स, कनेक्ट विथ पीपल, बी पार्ट ऑफ सम कम्युनिटी. कम हियर कम्युनिटी आई डोंट मीन कि जो हम लोग सोशल सेक्टर में यूज करते हैं कि समुदाय, वो वाली कम्युनिटी नहीं, कोई भी इस तरह का ग्रुप हो इसका पार्ट बनिए आप. साइकिलर्स का ग्रुप होता है, ग्रीन फिंगर्स वालों का ग्रुप होता है, लाफ्टर क्लब्स होते हैं, कितनी ऐसी चीजें हैं जिसका हम पार्ट बन सकते हैं, सेवा के ग्रुप्स होते हैं. रिस्पॉन्ड नॉट रिएक्ट. सी मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन वी आर सिटिंग विद अ नीड टू रिएक्ट. सो जस्ट टेक अ पॉज एंड रिस्पॉन्ड. सो स्पिरिचुअल हेल्थ, प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड, डू सेल्फलेस सेवा, बी विद नेचर, क्वाइट टाइम, प्रेयर, फाइंड अ पर्पज इन लाइफ, वेरी इंपॉर्टेंट. कंपैशन, आइडेंटिफाई योर वैल्यूज, बहुत जरूरी है जिंदगी में 4-5 वैल्यूज होना, कोर वैल्यूज, जो कि कुछ कुछ भी हो जाए, कोई भी आ जाए, शेक नहीं होनी चाहिए.
किसी भी परिस्थिति में. सो दोज काइंड ऑफ वैल्यूज. नोटिस आ वंडर मोमेंट, अ ब्यूटिफुल सनसेट, ब्यूटिफुल सनराइज, दीज आर आ मोमेंट. इनको नोटिस करिए, इन सबका न्यूरो साइंस वाइज इम्पैक्ट होता है हमारी वेलबींग पे. एंड मोर, प्रमोशन इसका कैसे हो, क्योंकि ये थीम है आज के सत्र का. एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रीसेप्ट, लीड बाई एग्जाम्पल, डू इट, ब्रैग अबाउट इट, बी अ रोल मॉडल, इंस्पायर अदर. जब आप खुद इसको करना शुरू करेंगे, आसपास लोग नोटिस करेंगे और आपसे ही पूछ के अडॉप्ट करेंगे, चाहे आपके ऑफिस में कोलीग्स हों या जिस समुदाय या प्रोजेक्ट के साथ आप काम करते हैं, वो ऑटोमेटिकली आप बहुत जल्दी से उनको अपने रोल मॉडलिंग के थ्रू दिखा सकते हैं. ऑडिट योर डेली लाइफ, फाइनेंशियल ऑडिट हम सब कराते हैं ना एनजीओ वाले. सो अपनी डेली लाइफ का भी ऑडिट करिए कि हाउ डू यू स्पेंड योर टाइम, हाउ डू यू स्पेंड योर डे, व्हाट चॉइसेस यू मेक. कितनी देर हमें व्हाट्सएप पे रहना है, कितनी देर अनमाइंडफुल स्क्रोलिंग करनी है इधर उधर की. बहुत अच्छी चीजें भी उससे मिलती हैं, लेकिन बी अवेयर कि ये कर क्या रहे हैं हम, कहाँ पे मेरा टाइम ज्यादा जा रहा है. मेरा 3 दिन हफ्ते में मौन होता है, ये 4 महीने से है. उसके पहले 10 साल से 1 दिन मौन कर रहे थे. जितना काम बढ़ा रहे हैं उतना मौन बढ़ा रहे हैं अपना. सो कभी कभी ये बैज लगा के हम घूमते हैं. काफी लोग इससे भी समझ पाएंगे कि जो हमने फ्रेमवर्क प्रेजेंट किया वो डायरेक्टली यही चीज है, अलग तरीके से प्रेजेंट किया. ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो होलिस्टिक वेलबींग की डोमेन में मेरे एनजीओ ने किए हैं. खासकर कोविड टाइम में हम लोगों ने एंग्जाइटी मैनेजमेंट स्किल्स इम्पार्ट करी बाय ऑफरिंग 80 ऑनलाइन सेशंस थ्रू अ टीम ऑफ वॉलंटियर्स लेड बाय मी. एंड वी रीच 18,000 पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड ऑल्सो. देन ग्रेटिट्यूड जॉय शॉप्स ग्लोबली 12 कंट्रीज में ऑफर कर चुके हैं. प्रोजेक्ट हैप्पीनेस स्कूल्स में, माइंडफुल लिविंग फॉर लीडर्स एंड मैनेजर्स, एंड प्रोजेक्ट तारा सत्री की अभी 4 महीने से लखनऊ के पास एक गांव में काम शुरू किया है. थैंक यू एवरीवन फॉर योर टाइम एंड लिसनिंग.